जय हिंद। नमस्कार। यूपी के मेरठ और आगरा सेना भर्ती कार्यालय की ओर से 20 सितंबर से शुरू हुई सेना भर्ती का आज तीसरा दिन है। आज अधिक बारिश के चलते आगरा के कीथम में चल रही सेना भर्ती की दौड़ को रोकना पड़ा। डिफेंस पीआरओ के अनुसार जिन युवाओं की दौड़ 22 सितंबर को होनी थी लेकिन बारिश के कारण वो नहीं हो पाई, जिसे रोकना पड़ा। अब ऐसे युवाओं की दौड़ 10 अक्टूबर को होगी और इन युवाओं को भर्ती में प्रवेश के लिए जो है 9 अक्टूबर की रात को पहुंचना होगा। हालांकि मेरठ सेना भर्ती के दौरान भी बारिश तो हुई है, पर वहां पर अभी भी सेना भर्ती की दौड़ कराई जा रही है। आगरा में चल रही सेना भर्ती की अगर पहले दिन की बात करें तो पहले दिन दौड़ में शामिल होने के लिए कुल 8200 यानी 8200 युवाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था और इसमें से 5321 युवा दौड़ में शामिल होने पहुंचे थे। हालांकि कुछ युवा दस्तावेजों में कुछ कमी के चलते और प्री हाइट मेजरमेंट के दौरान दौड़ में शामिल होने से पहले ही भर्ती से बाहर हो गए, जबकि मेरठ सेना भर्ती के दूसरे दिन कुल 8196 युवाओं ने भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन किया था और इनमें से 5831 युवा दौड़ में शामिल। मेरठ सेना भर्ती का फिलहाल आज का जो अपडेट है वो अभी हमें नहीं मिल पाया है। जैसे ही साथियों हमें इसका अपडेट मिलता है तो आपको उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी। देखिए, यूपी में शुरू हुई इन दोनों भर्तियों को लेकर भी युवाओं के कुछ आरोप अभी भी सामने आ रहे हैं। युवाओं का कहना है कि उन्हें दौड़ के लिए पूरा समय नहीं दिया जा रहा है। वहीं युवाओं का यह भी आरोप है कि इस बार ज्यादा हाइट के चलते यानी भर्ती में ज्यादा हाइट युवाओं के लिए जा रही है, जिसके चलते बहुत से युवा दौड़ में शामिल होने से पहले ही भर्ती से बाहर हो रहे हैं। देखिए, यह आरोप लगातार जब से अग्निवीर सेना भर्ती शुरू हुई है तभी से उन तमाम सेना भर्तियों में अग्निवीरों की भर्ती में इस तरह के आरोप युवाओं के सामने आ रहे हैं और अब इन दोनों भर्तियों में भी इसी तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।